शिमला जिला के रामपुर में महिला एवं बाल विकास परियोजना द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत आशा वर्कर व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, ताकि सरकार की इस योजना का दूर दराज तक लाभ मिल सके और कन्या भ्रूण हत्या जैसे कृत्य ना हो। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी रामपुर अजय बद्रेल ने गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण 70 दिन के अंदर करवाने का आह्वान किया। उन्होंने लिंग जांच ना करवाने के प्रति भी प्रेरित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना, जिसमें बेटी है अनमोल, प्रधानमंत्री वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मदर टेरेसा सशक्त महिला योजना तथा वो दिन योजना के अंतर्गत जानकारी भी प्रदान की गई। इस मौके पर खंड चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉक्टर आर के नेगी ने कहा कि लिंग की जांच करवाना व करना कानूनी अपराध है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही सहारा योजना की जानकारी भी दी। ग्रामीण विकास विभाग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रंजुम मेहता ने स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देने के साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित जानकारी साझा की। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर विकास खंड की आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें मुख्यतः पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट पर इनके साथ चर्चा की गई, इनको जागरूक किया गया, ताकि ये लोगों को इस एक्ट के बारे में गांव-गांव तक लोगों को इस के बारे में जागरूक करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें कहा गया कि जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी को रजिस्टर करें, ताकि उस प्रेग्नेंट महिला को ट्रैक किया जा सके और